हेलो डियर किड्स, नमस्कार। होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। यस्टरडे वी हैड कंप्लीटेड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8। यस और नो, हमने सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आई होप यू ऑल हैव कंप्लीटेड इन योर टेस्ट बुक्स। So today in this video we are going to discuss and also we are going to write short answer question. Okay, short answer question you all are going to write in your notebook. Okay dear kids, I am going to explain you each and every question of short question answer. Yes, and with me you all are going to write in your notebook. Okay, आप लोग मेरे साथ notebook में लिखोगे, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगी, right? And आप लोग लिखते जाना, okay? Understood? So take out your notebook and textbook with your pencil and eraser. Ready everyone? Okay, now questions आप घर पे लिखोगे तो भी चलेगा, okay? Means at your home आपके मम्मा लिख देंगे तो भी चलेगा, and अभी आपको नहीं लिखना है तो भी चलेगा, right? बाद में आप लिख सकते हैं, but answers आप मेरे साथ ही लिखते जाना, okay? Questions के लिए आप वन लाइन स्किप कर सकते हो. Okay, so put CW and date. CW and date 10-09-20. Like this, ma'am has written CW, date 10-09-20, chapter number 8, birds, big, क्लोज एंड नेस्ट। दिस हेडिंग यू आर गोइंग टू राइट इन योर नोटबुक एंड देन मेक अ स्टार एंड राइट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके, पुट CW डेट, राइट चैप्टर नेम एंड देन ड्रॉ स्टार एंड देन राइट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। Written everyone? So now come to first one. First short answer question. First one is explain upstroke and downstroke. Right? In this question, हमें क्या करना है? Explain करना है upstroke means क्या and downstroke means क्या. Understood? क्या एक्सप्लेन करना है हमें? अबाउट अपस्ट्रोक एंड ऑल्सो अबाउट डाउन स्ट्रोक। सो डियर किड्स, व्हाट इज अपस्ट्रोक? अपस्ट्रोक मीन्स क्या? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स, राइट? व्हेन द बर्ड्स फ्लाई, जो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई हो रहे हैं, वी कॉल देम अपस्ट्रोक, राइट? एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स, जो बर्ड्स डाउनवर्ड मूवमेंट में जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रोक। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज अपस्ट्रोक? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड अपस्ट्रोक एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक। सो डियर किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द क्वेश्चन। आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे, मैम ने नहीं लिखा है बट आप लिखोगे क्वेश्चन एंड देन यू विल राइट आंसर नंबर फर्स्ट। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड अपस्ट्रोक एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक।
come on, write down the upward movement of wings is called upstroke and the downward movement of wings is called downstroke. Done dear kids? First one सबने लिख लिया? Good. So now dear kids, let's move to second question. What helps a bird to fly? Birds को क्या help करता है to fly? Okay, now I'm going to explain you. बर्ड्स को क्या हेल्प करता है बेटा? उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर, राइट? बर्ड्स की बॉडी ऐसे बनी है कि वो फ्लाई कर सके. हमने दो चीज़ पढ़ी थी, देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी, याद है आपको? उनकी जो बॉडी है वो कैसी है? स्ट्रीमलाइन है, स्मूथ है, राइट? जो उनको हेल्प करती है फॉर फ्लाइंग इन द एयर ऑल्सो एंड ऑल्सो इन द वॉटर, right? So their streamlined body and their hollow bones, right? जो उनके bones हैं वो बहुत ही hollow है. Hollow means what? Empty. कोई भी space नहीं है अंदर, कुछ भी material नहीं है अंदर. So and their wings, right? Wings तो उनको help करते ही है, yes or no? So we will write this answer like this. The shape and structure of a bird's body enables it to fly. For example, their streamlined body, hollow and light bones and wings, right? So dear kids, now second one, you will write the question. आप लोग first answer आप लोग ने लिख लिया तो one line skip करोगे and then you will write the second answer. Sorry, second question. What helps a bird to fly? Make sure you are writing in a very good handwriting. Question written? Good. Now, let's write the answer. So, answer number 2. The shape and structure of a bird's body enables it to fly. Right? जो उनकी shape और structure ऐसा बना है जो उनको हेल्प करता है टू फ्लाई. यस, फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रीमलाइन बॉडी, हॉलो एंड लाइट बोन्स एंड विंग्स. सो डियर किड्स, कम ऑन, राइट डाउन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ बर्ड्स बॉडी इनेबल्स इट टू फ्लाई. For example, streamlined body, hollow and light bones, and wings. Done? Is it completed? Okay, good. So now dear kids, come on third question. Describe flightless bird. So in this question हमें describe करना होगा about flightless bird. Now in the chapter we have learned about flightless bird. हमने पढ़े थे, yes or no? So dear kids, now you all see me, what is flightless bird? Yes, I see birds that cannot fly, right? The birds that cannot fly, they are called flightless bird. Yes, for example, emus, ostrich, right? Why they cannot fly, do you know that? Because of their body. Okay,
So, come on, write third question. You will skip one line. And then you will write third question. Describe flightless birds. Question written. Okay. So, answer number third. The birds that cannot fly are called flightless birds. For example, ostrich. Yes? So, come on, write down. The birds that cannot fly are called flightless birds. For example, ostrich. Done. Now let's move to fourth question. So come on, read it. What is fourth question? Which type of beak is most suitable for making holes in the tree trunk? Now dear kids, there are some birds who make holes in the tree trunk. Right? Can you give me some example of that birds? Jo holes banate hain tree trunk pe? Can you give me two examples of birds? Which are they? Just remember, beta. Yes, woodpecker. Yes or no? Woodpecker kya karte hain? They make holes in the tree trunk. Right? And they find out some insects to eat. Okay, so that's why unki jo beak hoti hai, wo kaisi hoti hai? Strong and pointed beak, right? Which help them to make holes in the tree trunk. Right? So, come on, write down. First, write down the question. Which type of beak is most suitable for making holes in the tree trunk? If you are not writing question right now, so you will skip two lines. अगर आप क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हो अभी मेरे साथ, सो आप ये क्वेश्चन के लिए टू लाइन स्किप करना. ओके, डन. नाउ लेट्स सी द आंसर. सो विच टाइप ऑफ बीक, स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग होल्स इन द ट्री ट्रंक. ओके, कैसे बीक होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. सो राइट डाउन, स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक इज स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक इज मोस्ट सुटेबल For making holes in the tree trunk. So come on, read the answer. What we have written? Strong and pointed beak is most suitable for making holes in the tree trunk. Done? Good. So dear kids, now first to fourth सबका हो गया. सबने फर्स्ट टू फोर्थ लिख लिया. गुड. नाउ यू विल स्किप वन लाइन एंड देन यू विल राइट फिफ्थ क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ टोज
do perching birds have? Perching birds होते हैं, right? उनके toes कैसे होते हैं? Now remember, dear kids, perching birds means what? ऐसे birds जो trees के branches पे rest करते हैं, they sit there, right? So अब उनके toes कैसे होंगे? Just remember, उनके toes कैसे होंगे? Very good, three toes in the front, right? In the front side, and one toe at the back, right? Perching birds means ऐसे birds जो perch करते हैं, they rest on the branches of the trees. So that's why उनके जो toes होते हैं वो कैसे होते हैं? Three toes in the front side and one toe at the back. Okay? Question written everyone. आपको answer भी समझ में आ गया? So now let's write the answer. Answer number 5th. Perching birds have three toes in the front. Okay, write down. Perching birds have three toes in the front and one toe at the back. Perching birds have three toes in the front and one toe at the back. Complete it. Yes. Good. Now come to question 6th. What is 6th one? Let's read together. What type of feet do wading birds have? जो wading birds हैं उनकी feet कैसे होते हैं? Right? So the toes जो उनके toes जो होते हैं wading birds के, उनकी जो feet होती हैं वो कैसी होती हैं? They have a long thin legs. Right? और जो उनके toes होते हैं वो एकदम spread होते हैं. Right? कैसे होते हैं बेटा? Spread. Together नहीं होते हैं, they are spread. Yes, which help them to balance, right? जो उनको help करता है balance होने के लिए in this soft mud, right? कीचड़ में या फिर ऐसी जगह पे वो balance रह सकते हैं. Okay, तो उनके जो feet होते हैं वो कैसे होते हैं? Widespread होते हैं. And जो उनके legs होते हैं वो thin and long होते हैं, right? So first of all, write the question. What type of feet do wading birds have? Question written. What type of feet do wading birds have? Okay, so now let's write the answer. The toes of the wading birds are widespread. Spread होते हैं, right? So write down. The toes of the wading birds are widespread and help them balance in the soft mud and help them balance in the soft mud. The toes of the wading birds are widespread and help them
balance in the soft mud. Complete it. Yes. Good. Now, let's see the question number 7. Let's read the question together. What are the materials used by a bird to build its nest? So, हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विच मटीरियल्स, कौन सा मटीरियल्स यूज करते हैं बर्ड्स नेस्ट बनाने के लिए, अपना नेस्ट बनाने के लिए बर्ड्स कौन सा मटीरियल यूज करते हैं. जैसे हम अपना होम बनाने के लिए कौन सा मटीरियल यूज करते हैं बेटा, सेमी, ब्रिक, सीमेंट, स्ट्रॉ, राइट, सॉरी, ब्रिक, सीमेंट, स्टील, यस और नो? सो बर्ड्स भी कुछ मटेरियल यूज करते हैं फॉर बिल्डिंग इट्स नेस्ट. सो अब हमें ये आंसर में लिखना है कि विच मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं बर्ड्स टू बिल्ड इट्स नेस्ट. सो ग्रास, लीव्स, स्ट्रॉ, फर, थ्रेड्स, यस और नो? सो दीज आर द मटीरियल्स विच इज यूज बाय बर्ड्स टू बिल्ड इट्स नेस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन. वॉट आर द मटीरियल्स यूज बाय अ बर्ड टू बिल्ड इट्स नेस्ट. डन. So now let's write the answer. So answer number 7, grass, leaves, fur, threads, twigs are used by birds to build nest. You can also write like this, these are the materials used by birds to build its nest. Right? आपको जो भी example आते हो, right? आपको जो भी material याद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. Right? मैम ने cotton नहीं लिखा है, straw नहीं लिखा है. You can write that. You can write that. Okay? आप वो भी लिख सकते हो. So, write down grass, leaves, fur, threads, twigs are used by birds to build nest. Are used by birds to build nest. Written, grass, leaves, fur, threads, twigs are used by birds to build nest. Completed everyone? So dear kids, here we have completed our short answer question, right? I hope कि आप सबने notebook में ये सारे question answers लिख लिए हो मेरे साथ. Yes, if written, so very good. और अगर आपने नहीं लिखा है, आप फिर से video देखोगे and you will write it. Okay, and don't worry, I am going to send the photo of this, right? मैं इसकी फोटो भी भेजने वाली हूँ. So अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया हो, so you can write it. Okay, but इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो में से ना लिखो.
राइट, सिर्फ मैं पीडीएफ और फोटो मैं इसलिए भेजने वाली हूँ कि आप चेक कर सको, राइट, कि आपने हर एक स्पेलिंग सब कुछ ठीक से लिखा है कि नहीं, राइट. सो नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, बट हमारा और एक CW बाकी है टू डिस्कस द स्किल बिल्डर दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ. ओके, इट इज ऑन द सेम पेज, पेज नंबर 93. स्किल बिल्डर आपको कहीं लिखना नहीं है, बट आपको सिर्फ सुनना है मैम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैम क्या बोल रहे हैं उसमें, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज, वॉट वुड हैपन इफ वुड पैकर हैड लेग्स लाइक क्रेन. डिस्कस, अब हमें क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, अगर वुड पैकर के पास क्रेन के जैसे लेग्स होते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल से मी डियर किड्स, क्रेन के पास कैसे लेग्स होते हैं, दे हैव अ थिन लॉन्ग लेग्स, राइट, और वो भी उनके जो टोज होते हैं वो पूरे स्प्रेड होते हैं, और वुड पैकर जो होता है उनमें ऐसा नहीं होता. ये सुनो, वुड पैकर के पास ऐसा नहीं होता है. सो नाउ से भी, वुड पैकर के पास कैसे लेग्स होते हैं. यस डियर किड, सेमी, वुड पैकर के पास कैसे लेग्स होते हैं. यस, दे हैव अ क्लाइंबिंग, वो क्लाइंबिंग बर्ड्स है, राइट. सो दैट्स वाई उनके जो लेग्स होते हैं वो टू टोज इन द फ्रंट साइड होते हैं एंड टू टोज एट द बैक साइड होते हैं, राइट, सो दैट दे कैन क्लाइंब द ट्री ट्रंक, राइट. सो अब हमें यहाँ पे ऐसा पूछा है कि अगर वुड पैकर के पास क्रेन के जैसे लेग्स हो तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा, तो क्या वुड पैकर क्लाइंब कर पाएगा, नहीं. यस, एबल टू क्लाइंब, राइट. सो दैट्स व्हाई जो उनको लेग्स मिले हैं, जो उनके फीट्स हैं, वो उनके लिए ही प्रॉपर हैं, राइट, अंडरस्टूड. यस, सो डियर किड्स, जो वुडपैकर हैं, अगर उनके पास लॉन्ग लेग्स होते हैं तो क्या वो बैलेंस कर पाएंगे, क्रेन कैसे बैलेंस कर पाते हैं सॉफ्ट मड में. यस, सो क्या वुडपैकर बैलेंस कर पाएंगे ट्री ट्रंक पर, नो, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर वुडपैकर, राइट, टू क्लाइंब ऑल्सो ऑन द ट्री. सो दैट्स वाई जो उनके पास लेग्स हैं वो उनके लिए परफेक्ट है. ओके, अंडरस्टूड. नाउ लेट्स कम टू सेकेंड वन. ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ द फीट शोन बिलो. वी हैव टू ऑब्जर्व द फीट्स एंड आइडेंटिफाई दैम एज अ क्लाइंबिंग बर्ड्स, वेडिंग बर्ड्स, वाटर बर्ड्स और फ्लैश हिटिंग बर्ड्स, राइट. यहाँ पे हमें फोर टाइप्स ऑफ फीट्स बताए गए हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स के. सो अब हमें यहाँ पे लिखना है, नीचे हमें जगह दी हुई गई हुई है, सो वहाँ पे हमें लिखना है कि ये कौन से टाइप के हैं, क्या ये वेडिंग बर्ड्स हैं, क्या ये वाटर बर्ड्स हैं, क्या ये फ्लैश हिटिंग बर्ड्स हैं, और क्या ये क्लाइंबिंग बर्ड्स हैं. दैट वी हैव टू राइट, दैट वी हैव टू थिंक एंड राइट. हमें आइडेंटिफाई करना है पहले, फिर ही आप लिखोगे. Yes, so now let's come to first one. This is first one. So first one है वो कैसा है, first आप लोग उनके legs देखो, thin है, long है. Yes, thin है, long है, और जो toes जो हमें दिख रहे हैं वो कैसे हैं, spread है. Yes, so कौन सी birds के पास ऐसे feet होते हैं, वेरी गुड, वेडिंग बर्ड्स, राइट. सो वी विल राइट देयर वेडिंग बर्ड्स, WADING WADING, एंड देन राइट द स्पेलिंग ऑफ बर्ड, BIRD. डन फर्स्ट वन. नाउ लेट्स कम टू सेकेंड वन. Now, dear kids, let's observe this
चलो फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि सेकंड वन कौन सा है। हाँ, सेकंड वन में आपको दिख रहा है जो क्लव्स हैं वो शार्प है, हुक है, राइट, जिसको हम टैलॉन्स भी कहते हैं। सो ये कौन से टाइप्स के बर्ड्स के पास ऐसा होता है डियर किड्स? यस, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, वेरी गुड। सो राइट देयर, फ्लैश ईटिंग बर्ड, FLESH, फ्लैश, देन ईटिंग, EATING, ईटिंग। अगर आपका ना समाए तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, एंड देन राइट द स्पेलिंग ऑफ बर्ड, BIRD। कंप्लीटेड। नाउ थर्ड वन, थर्ड वन इज वेरी इजी, राइट। ये सी, हमें फटाक से पता चल जाता है कि ये टाइप के फीड जो है वो किसके हैं, क्योंकि डियर किड्स जो सारे फीड्स हैं उसमें कहीं पे भी स्किन कनेक्टेड नहीं है, राइट, बट सिर्फ वाटर बर्ड्स के पास स्किन जो है उनके टोज से कनेक्ट होती है, राइट। तो हमें जो वाटर बर्ड्स हैं उसके जो फीड्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सिंपल हो जाते हैं, यस और नो? सो ये किसके हैं? वेब फीट है, राइट। ये वेब फीट किसके हैं डियर किड्स? ऑफ वाटर बर्ड्स। सो राइट देयर, वाटर बर्ड्स, WATER, वाटर, BIRDS, बर्ड्स, वाटर बर्ड्स। डन। नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ वन। फोर्थ वन, अगर आपको सारे बर्ड्स के फिट्स याद होंगे तो फोर्थ वन भी बहुत इजी है आपके लिए, बिकॉज टू जो टोज है वो फ्रंट साइड है एंड टू टोज है वो बैक साइड है। सो नाउ इट इज इजी। चलो नाउ सी मी। यस, इट इज ऑफ क्लाइंबिंग बर्ड्स। सो राइट डाउन, CLIMBING, क्लाइंबिंग, CLIMBING, क्लाइंबिंग, एंड देन द स्पेलिंग ऑफ बर्ड, कंप्लीटेड। सो नाउ लेट मी शो यू द आंसर विच आई हैव रिटन। डन। सी मैम ने भी ऐसा ही लिखा है, आप लोग का हो गया। Put there also CW date. Good. Now, dear kids, one skill builder at the back दिया है on page number 94. So let's take out that. So everyone is on page number 94. Now let's read the थर्ड स्किल बिल्डर। पैरोट्स ऑल्सो हैव हुक्ड बीज बट दे डू नॉट ईट मीट। डिस्कस। सो वी ऑल नो दैट कि जो पैरोट्स होते हैं उनके पास भी हुक बीक होती है, बट दे डू नॉट ईट मीट, राइट। तो क्यों उनके पास हुक बीक है डियर किड्स? डू यू नो दैट? बिकॉज जो उनके जो बीक्स हैं वो उनको क्या कहते हैं, ब्रेकिंग डाउन करने के लिए हेल्प करती हैं। जो भी थिंग्स वो लोग खाते हैं वो ब्रेक करने के लिए वो उनको हेल्प करती हैं, यस। सो दैट्स वाई उनको हुक बीक की ज़रूरत है फॉर ब्रेकिंग डाउन द थिंग्स विच दे ईट। यस, दे डू नॉट ईट मीट, बट जो थिंग्स वो लोग खाते हैं, राइट, वो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए वो उनको हेल्प करती हैं, एज वेल एज फॉर क्लाइंबिंग ऑल्सो, राइट। सो पैरोट यूज देयर बीक फॉर क्लाइंबिंग एज वेल एज फॉर ब्रेकिंग डाउन द थिंग्स। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड स्किल बिल्डर। यस, स्किल बिल्डर आप सबको समझ में आ गया? मैं फिर से कह रही हूँ, आपको लिखना नहीं है बट आपको समझना है बहुत अच्छी तरह से। यस, अंडरस्टूड, गुड। सो अवर टुडे CW इज कंप्लीटेड।
Okay, so your today's homework is to learn this question answers. राइट जिसने फिनिश कर दिया है मेरे साथ वो अब लर्न करेंगे एंड जिसने फिनिश नहीं किया है दे विल कंप्लीट इट इन देयर नोटबुक. वो अपने नोटबुक में अच्छी तरह से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे ही नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे. ओके स्किल बिल्डर तो सबका हो गया. गुड. सो टुमारो वीडियो क्लास में हम लर्न करेंगे अबाउट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. ओके टुमारो हम क्या करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. सो टिल देन बाय किड्स टेक केयर.